यार तो भगत है भोले शंकर काले या सर्पा बड़ा मेरा बोले बाबा बोल जय बप्पा की हर हर महादेव। तो देखिए शिव मंदिर जो कि भवरेश्वर धाम है बहुत ही भीड़ लगती है यहाँ पर, बहुत पब्लिक आती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको फुल जानकारी मिलने वाली है भवरेश्वर धाम मंदिर में कैसे दर्शन किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई है, मंदिर के अंदर का ये नज़ारा है। तो देख सकते हैं वो हमारे महादेव वहाँ पर कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजा। ऐसा तीर चलाया साड़ी मीत दिए रोड़े, मीत दिए रोड़े, वो तेरे धाम का पानी मेरे लाज। आप बस वीराने में जी राम भजो, जी राम भजो, जी बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम 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 लहरी, हर हर महादेव। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। लखनऊ से वाले सुभाष दक्षिणा जी सुबिया लखनऊ रहने वाले हैं, पचास मई का नाम है बाबा भेरे राव से कैलाशपति। ये बाहर जाने का गेट है भवरेश्वर धाम मंदिर का, जो कि हम लोग बाहर अब जा रहे हैं। जहाँ से हमने लोटा लिया था वहीं लोटा अब देंगे जाकर। ये देखिए ये यहाँ पर लाइव चलता है और यहाँ से देखा जाता है कौन क्या कर रहा है, और यहाँ से अगर कोई गायब हो जाता है तो उसको ढूंढने में ये लोग मदद करते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा है शिव मंदिर भवरेश्वर धाम में, बहुत ही अच्छा सुविधा दी गई है। मेला की दुकानें लगी हुई हैं और बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए महादेव शिव मंदिर भोलेनाथ के, जो कि भवरेश्वर धाम। बहुत ही चमत्कारी एक मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत ही सुकून मिलता है। हारे का सहारा बनते हैं ये महादेव, जो लोग यहाँ पे हार के आते हैं उनका हौसला बुलंद करते हैं महादेव। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब आपको मैं ले चल रहा हूँ नदी की ओर, जो कि यहाँ पे देखिए कितना लोग स्नान करते हैं और कितना ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जो कि चारों तरफ मेले में फैली हुई है और सुविधा दे रही है। बहुत ही अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता इस मेले में, बहुत ही अच्छा मेला। तेरे माथे पे सजा है भोले चंदा और गंगा वह काले काले केस में, मैं दास उसी का हूँ मेरा मालिक है शिवा। तो गाइस ये है नदी, आप देख सकते हैं इस नदी से ही लोग जल लाते हैं और यहीं पर स्नान भी करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये नदी कभी रुकती नहीं है, ये चमत्कारी नदी है, यहाँ पर पानी चलता ही रहता है महादेव की कृपा से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, अभी आपको और दिखाएंगे। देखिए लोग कैसे नहा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, लगी हुई है और पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है आपकी सुविधा के लिए। ये मंदिर हमारे शिव जी का, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है शिव धाम, जो कि ये नाव, जो कि यहाँ से आप घूम भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो घूमेंगे इस पर, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। मात्र 20 रुपये टिकट है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है हर हर महादेव। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए यहाँ का नज़ारा, कुछ नाव पर का नज़ारा आपको हम फुल दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करिए वीडियो को। हर हर महादेव, ये हमारे शिव मंदिर जो कि आप देख सकते हैं भोलेनाथ का है, बहुत ही अच्छा लगता है। हर हर महादेव। गंग
ये देखिए नाव कैसे सजा के रखा है, इतना अच्छा लगता है नाव की, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारे शिव जी का टेम्पल जो कि भवरेश्वर धाम का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा नाव सजाया है। और ये आप देख सकते हैं नाव को बांध के रखा जाता है और अब इसे खोल के धक्का दे दिया है और ये चला गया। अब घूमने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देख लीजिए कितनी दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, कितनी पब्लिक यहाँ पर, कितनी भीड़ लगी हुई है स्थान पर। आप देख सकते हैं नदी के किनारे में लोग नहा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे शिव जी का धाम और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ये सामने पुल है जो कि पुल के एकदम साइड में ही हमारे भवरेश्वर धाम का मंदिर है, आप आ सकते हैं। अब हम घूमने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाएगा घूमने में। और ये देखिए एक दूसरी नाव हमारे पीछे आ रही है, बहुत ही अच्छा लगेगा अब हमारे शिव धाम। कैसे कह दूं मेरी दुआ पे असर हो गई, जब भी रोया मेरे महाकाल को खबर हो गई। यार दो भगत है क्या बिगड़ेगा बाबा मुझसे तेरा। देख सकते हैं कितना यात्री, कितना पुजारी जा रहे हैं अंदर पूजा करने के लिए भवरेश्वर धाम मंदिर के शिव भक्त। देख लीजिए कितना नज़ारा, ये हमारे शिव भक्त का टेंपल जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता। जवानी मेरी प्यार में बिखर गई, भोले तेरी बूटी पी गए, जिंदगी निखर गई।